हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडी जैकेट, फ्रॉक, शॉल, कुर्ती, जेंट्स स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। और इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट ट्यूबल रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं ट्यूबल रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 8 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 2। इसमें मैंने 8 मल्टीपल करके 16 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 18 कर लिया है। फर्स्ट रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड, सेकेंड रो भी पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। अब ये दो फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे कीजिए, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर चार फंदा सीधा, दो चार, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। चार फंदा उल्टा, दो चार, सॉरी छः फंदा उल्टा, चार पाँच छः, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। और फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा।
अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, फिर आप इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो सेम रो फोर के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से ट्रिपल पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, छह फंदा उल्टा, दो चार छ, दो फंदा सीधा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, आप यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। अब दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, दो फंदा सीधा, एक दो, दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है, धागा पीछे कीजिए, दो फंदा सीधा, एक दो। फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो सेम रो फोर के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, छह फंदा उल्टा, दो चार छ, दो फंदा सीधा, एक दो। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है, धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। एट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है।
आप नाइन रो, नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा। अब ये दो फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे कीजिए, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे, आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे, आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब टेन रो, टेन रो सेम रो फोर के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा सीधा। अब दो फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ। धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ। धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। टेन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब इलेवन रो, इलेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा। अब दो फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा पीछे कीजिए, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट कर, सॉरी, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, चार फंदा सीधा, दो चार, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब इस दो फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है, आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस एक फंदा को सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। इलेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब ट्वेल्व रो, ट्वेल्व रो सेम रो फोर के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, एक फंदा सीधा। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ। धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ। धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। ट्वेल्व रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है।
देखिए ये डिजाइन जस्ट ट्यूबल रोज का है। इन्हीं ट्यूबल रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। आप यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो ट्यूबल तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।